केरल इस वक्त भीषण बाढ़ की आपदा से करहा रहा है। पूरी दुनिया के लोग केरल के बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुंचा रहे हैं और उनकी कुशलता की कामना कर रहे हैं। ऐसे वक्त में हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने अपील की है कि पूरी दुनिया के दानदाता सिर्फ उन्हीं लोगों को दान दें जो शाकाहारी हैं, जो गौमांस खाते हैं उन्हें मदद ना की जाए। इस संबंध में गौमांस ना खाने का लिखित वादा लेने पर ही मदद की जानी चाहिए। दरअसल चक्रपाणी महाराज ने कुछ दिनों पहले ही ट्वीट करके ये कहा था कि केरल में आई प्राकृतिक आपदा गौमांस खाने से हुए पाप के कारण आई है। इसके बाद समाचार चैनल आज तक से अपनी बातचीत में आचार्य चक्रपाणी ने फिर से अपनी बात को दोहराया। उन्होंने कहा, देश में जिस तरह से गौ हत्या की जा रही है उस तरीके से निश्चित रूप से इंद्र देवता कुपित हो रहे होंगे। आचार्य चक्रपाणी ने आगे कहा, हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत कहता है कि कर्म कभी नष्ट नहीं होता है। कर्म का स्वरूप जरूर बदल जाता है जिन्होंने गौ हत्या की है, गौमांस का भक्षण किया है, परमात्मा उन्हें अवश्य दंड देता है। लेकिन जिन अन्य शाकाहारियों पर कष्ट आया है वह ऐसा ही है जैसा गेहूं के साथ घुन पिस जाने पर आता है। आचार्य चक्रपाणी ने पूरे विश्व के हिंदू समुदाय से अपने इंटरव्यू में अपील भी की है। उन्होंने कहा, केरल के बाढ़ आपदा में दान देने वाले सभी लोगों को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके दान का उपयोग गाय के हत्यारे और गौ वध के समर्थकों को ना हो, उनसे लिखवा कर लेने के बाद ही सिर्फ शाकाहारियों को ही दान दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।